मस्ती क्यों बैठेंगे? पेट खाली होगा, ज्यादा होगा तो चक्कर खा के गिर जाएंगे, मर जाएंगे। एक आध की राशि तो निकलेगी, कोई बात नहीं। हमारे को भूख हड़ताल भी करनी पड़ सकती है, क्योंकि जब पैसा ही नहीं होगा तो भूख हड़ताल हमारे को क्या, हमारे परिवार को भी करनी पड़ सकती है। बताइए, 17 महीने से अगर आपको तनख्वाह नहीं मिलेगी, आपको जहाँ आप काम करते हैं वहाँ से आपको एक पैसा नहीं मिलेगा, तो आप काम पे आएंगे? जो भी उनसे सैलरी मांगा जाता है उनको सीधा सस्पेंड का लेटर दिया जाता है। धमकियाँ देती हैं कि हम आपको विदाउट पे कर देंगे और आपको सस्पेंड कर देंगे। कितने लोग हमारे, कितने वर्कर्स हैं जो सस्पेंड हो गए हैं। आप काम करते हैं जब तो अपना अधिकार लेने बैठे हैं हम यहाँ। मैं उनका बेटा भी था, सचिव पारा सचिव का बेटा भी था। उनको तो 6 महीने में रखा और 6 महीने से ही सैलरी देनी शुरू कर दी और हमारी 1.5 साल से सैलरी ड्यू है। नमस्कार, मैं पूजा, आप देख रहे हैं जनित आवाज़। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली की चांदनी चौक। दिल्ली के चांदनी चौक में यहाँ पर कुछ कर्मचारी क्यों बैठे हुए हैं, ये इन्हीं लोगों से जानेंगे। क्योंकि यहाँ पर जो हरदयाल लाइब्रेरी बताई जा रही है, उसी के तहत ये लोग कर्मचारी वहाँ काम करते थे। तो क्या कुछ समस्या है इनकी और क्यों बैठे हैं, तो इन्हीं लोगों से जानते हैं। सर, क्यों बैठे हुए हैं यहाँ पर और कितने दिनों से बैठे हैं आप? हम 30 तारीख से बैठे हैं जी, और हमें 17 महीने की सैलरी हमारी ड्यू है वो नहीं दी जा रही, इसलिए बैठे हैं। जब तक हमारी सैलरी नहीं दी जाएगी, जब तक जो है हम धरना प्रदर्शन करेंगे, हड़ताल करेंगे। तो सैलरी क्यों नहीं दी जा रही है, पीछे से क्या सब बताई जा रही है, प्रॉब्लम्स क्या आ रही हैं? पीछे से फंड नहीं आ रहा, और उनका आरोप है कि आप यहाँ का जो प्रशासन है, जो सेक्रेटरी महोदय हैं, वो जो है उसका फंड का दुरुपयोग करती हैं, इसलिए उन्होंने रोक रखी है, फंड रोक रखा है। किस तरीके का? इस तरह से कि कुछ फर्जी भर्ती कर ली जाती है। फर्जी भर्ती बता रहे हैं आप? हाँ, 6 लोगों को सुना है कि भर्ती किया गया था। उनमें उनका बेटा भी था, सचिव पारा सचिव का बेटा भी था। उनको जूनियर केयर टेकर के पोस्ट पे रखा गया। उनको 35,000 रुपये पर महीने के हिसाब से सैलरी दी गई। तो उनको तो 6 महीने में रखा और 6 महीने से ही सैलरी देनी शुरू कर दी, और हमारी 1.5 साल से सैलरी ड्यू है। आप लोग जो है कब से इस लाइब्रेरी में काम कर रहे हैं? हम 89 से काम कर रहे हैं जी। 89? हाँ जी। तो पहले भी कभी ऐसी समस्या आई है आप लोग? नहीं, पहले 2-4 महीने 6 महीने लेट होती थी, इससे ज़्यादा कभी नहीं होती थी। लेकिन अब तो 18 महीने हो गए। हम तो इसलिए वजह से परेशान हैं कि अब ज़्यादा लेट हो रहा है, और इस तरह कब तक चलता रहेगा? 18 महीने से आपको सैलरी ही नहीं मिल रही है? नहीं मिल रही है, इसी वजह से हम यहाँ धरने के लिए मजबूर हो गए हैं। अच्छा सर, क्या कुछ है, क्यों बैठे हैं इतने दिनों से और इतने दिनों से यहीं पर बैठे हुए हैं? कहीं पत्र वगैरह दिया आपने? पहले पत्र भी दिए हैं, लेकिन एनसीडी से फंड आ नहीं रहा है, और इस वजह से सैलरी रुकी हुई है 17 महीने की हमारी। तो ये फंड जो है पीछे से, तो सरकार को फंड तो अच्छा खासा मिलता है? मिलता है, मगर एनसीडी ने रोक रहा हुआ फंड। गुहार जो है मांगे आपकी किस सरकार से है? मांगे तो हमारा तो फंड जहाँ से भी आता हो वो मिल जाए, हमें एमसीडी के थ्रू आता है, ऊपर से सब मिलता हुआ। चलिए, और भी जो महिलाएं भी हैं यहाँ पर, जान लेते हैं उन्हीं लोगों से। यहाँ पे लिखा हुआ है 96 कर्मचारी, मगर मुझे लग रहा है यहाँ पे शायद 96 कर्मचारी मौजूद नहीं है। नहीं मैडम, यहाँ पे 96 मौजूद हैं। हमारे कर्मचारी लेटर लेके इधर उधर डालने गए सब जगह, एमसीडी में कर्मचारी पूरे आते हैं, पूरे आ रहे हैं कर्मचारी। काम करते थे जो है सरकार का, तो ये भी कहना है, मतलब आरोप लगते आए आप लोग काम नहीं करते। किसने काम नहीं करते? किसने आरोप लगाया? ये आरोप बताइए हमारे पे किसने लगाया? हम काम कर रहे हैं, जब भी तो अपना अधिकार लेने के नहीं बैठे हैं। लूडो वगैरह खेलते हैं आप लोग? आप काम करते हैं, जब भी तो अपना अधिकार लेने बैठे हैं हम यहाँ। सैलरी मांगते हैं, तब आरोप ही लगते हैं, बस और क्या होता है? काम नहीं करते, लाइब्रेरी खड़ी नहीं होती। लाइब्रेरी हमारी वजह से खड़ी है, कर्मचारियों की वजह से, सब कर्मचारियों की वजह से लाइब्रेरी खड़ी है। लाइब्रेरी तो चल रही है, आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं, कोई फर्क पड़ नहीं रहा है। ये आप कह सकते हो, हमारी जो मैडम है पूनम पराशद, वो आई नहीं रही यहाँ पे, 4 दिन हो गए आई नहीं रही। पूनम पराशद हमारी सचिव है, निगम पार्षद सचिव है किराड़ी की। अच्छा, तो एक बार भी आपसे मिलने या पूछने नहीं आई? क्यों नहीं आई है? या आप उनसे पूछो ना, क्यों नहीं आई है? धमकियां देती है। हाँ, वो सबको मतलब बोलती है कि पुराना स्टाफ जो भी है वो अंदर आए, नहीं तो उनको सस्पेंड कर दिया जाएगा। इस तरीके की धमकियां मिलती हैं? बिल्कुल, डर के माहौल में काम कर रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल। मतलब सत्ता की, जो सरकार में बैठी हुई सत्ता को आप ही लोग लेकर आए, तो वो इस तरीके से धमकियां दे रही है? हाँ जी बिल्कुल, धमकियां देती हैं कि हम आपको विदाउट पे कर देंगे और आपको सस्पेंड कर देंगे। कितने लोग हमारे, कितने वर्कर्स हैं जो सस्पेंड हो गए हैं?
सस्पेंड बिना किसी रीजन के आपको सस्पेंड कर दे, जिनसे उनको नहीं उन जो उनका विरोध करते हैं सैलरी मांगते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवानी है। काम करती है? हाँ जी। 7 महीने सस्पेंड कर दिया गया था इन्हें, बगावत करती होंगी आप। सैलरी मांगने गए हैं हम भी, हम मतलब तो उन्होंने फिर हमें बोला है कि मतलब सैलरी, जब जो भी उनसे सैलरी मांगने जाता है उनको सीधा सस्पेंड का लेटर दिया जाता है। तो मतलब सैलरी मांगने जाने पर आपको सस्पेंड का लेटर दे दिया जाता है? 1 महीने में वो 3 महीने में 100 से ज़्यादा तबादले हुए हैं यहाँ पे। तबादले हो चुके हैं इतने, तो उसी के तहत आप जानते हुए भी यहाँ पे काम कर रहे हैं जी जी। तो आप लोग जो है यहाँ पर बैठे हुए हैं चांदनी चौक में, जंतर मंतर संसद जाइए घेरिए। मैडम पहले यहाँ का है ना, फिर अभी परमिशन ले रहे हैं वहाँ के लिए, तब वहाँ पे भी जाएंगे। कितने दिनों से बैठे हैं मैम? 4-6 दिन हुए अभी तो। ऐसा मतलब बोला जाता है ना कि संसद घेरेंगे और ये सब करेंगे, जंतर मंतर जो है वहाँ पर अड्डा है, वो वहाँ पर प्रोटेस्ट करते हैं। आप लोग तो यहाँ रोड पर बैठे, अंदर में बैठे, कोई जान भी नहीं पा रहा। परमिशन के लिए डाला हुआ जंतर मंतर के लिए भी, अब वहाँ से जब भी परमिशन मिल जाएगी तो हम वहाँ पे भी जरूर जाएंगे। तो अभी ये बताइए कि आप लोग क्या चाहते हैं? सैलरी चाहते हैं मैडम, अपनी 17 महीने से हमारी सैलरी मिले और जो यहाँ पे भ्रष्टाचार हुआ उसकी ऑडिट होए। किस तरीके का भ्रष्टाचार? जैसे इंटर्नशिप पे लोगों को लगाया इन्होंने, अपने रिश्तेदारों को, और हमसे पहले पैसा दे दिया उनको, तो उस चीज की होनी चाहिए। जो भी बात है ना कि लोगों को मौका मिल रहा है, इंटर्नशिप कराई उसके बाद लगा दिया। 35,000 रुपए महीना इंटर्नशिप, और वो यहाँ पे आए भी नहीं। हमने लोगों को कितना मिलता था? 18,000 रुपए मैडम। क्या नाम है आप? आशीष कुमार। आप भी वर्कर थे? जी जी थे, अब बोलना पड़ रहा है मुझे। हाँ जी बस जी। थे में आ गए या हैं? है अभी तो है मैडम, बस थे ही है मैडम, जब 17 महीने से वेतन नहीं मिला। अपने रिश्तेदारों को लगाया, ये अच्छी बात है। हमें कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिले 17 महीने से, और अपने बेटे को 17,000 का चेक दे दिया। किसने? पूनम पराशर ने अपने बेटे को ही जी। ये अच्छी बात है, आप बताइए, बताओ जन, पूछो, सारे बताएंगे। बोलो भाई, बोलते क्यों नहीं हो? नॉलेजेबल होंगे ना, उसी एलिजिबिलिटी पर उनको रखा गया होगा ना। कोई नहीं है, हाई कोर्ट का ऑर्डर था कि यहाँ पे कोई किसी भी तरह की कोई भर्ती नहीं होगी, किसी भी तरह की भर्ती नहीं होगी। और तब भी उसके तहत भी जो है रखा जी, जी रखा गया है, मतलब मनमाना चल रहा है सारी चीज। आपने विरोध क्यों नहीं? विरोध किया है मैडम, तभी तो तबादले हुए हैं। 100 तबादले ऐसे ही थोड़ा हुए। विरोध किया कहीं आपका विरोध जो है प्रदर्शन सारे चैनलों पे, आप News 24 पे देखो, बहुत पहले से 4 महीने से चला हुआ है वहाँ पे तो, लेकिन सुनवाई कहाँ हो रही है मैडम? अभी बैठे हैं मैडम, जब हदी हो गई बिल्कुल हर तरह की, तो तब बैठे हैं हड़ताल पे। अब क्या चाहते हैं भाई? अब सत्ता में बैठी सरकार तो जो है उसी के तहत आता है ये सब। आप कुछ बोलेंगी? आप भी वर्कर हैं? हाँ जी। क्या नाम है? ज्योति। ज्योति जी, फिर क्या चाहती हैं अब? मैडम बस यही चाहते हैं कि हमारी सैलरी मिले टाइम से। सरकार के पास देखिए बहुत सारा काम है, उस पर पैसा लगा रही है, विदेशों में जा रहे हैं मोदी जी, पता है ना, मिल रहे हैं सब कुछ है। अब आपकी सैलरी देखिए, अभी तो कुछ हो, हम भी तो गरीब आदमी, अपने बच्चे कहाँ से पालेंगे? दे देंगे। अभी आश्वासन मिला है कि नहीं? अभी कुछ नहीं मिला आश्वासन भी नहीं। अभी हाँ ना का कोई जवाब नहीं दे रहे। आश्वासन तो मिलते रहते हैं, आश्वासन तो हमें 17 महीने से आश्वासन मिल रहा है, और क्या मिल रहा है हमें आश्वासन से? हम अपना पेट भर रहे हैं, भर रहे नहीं भर रहे अपने आश्वासन से पेट, उसी पे जिंदा आश्वासन पर, किस चीज पे? तो आश्वासन पे जो है उन पे विश्वास तो रखिए। 17 महीने से विश्वास कर रहा है मैडम, सरकार को लाने वाले भी तो आप ही लोग हैं। नहीं ठीक है, सरकार को लाने वाले हम हैं, परेशान हो रहे हैं आप, परेशान भी हम ही हो रहा है। बताइए 17 महीने से अगर आपको तनख्वाह नहीं मिलेगी, आपको जहां आप काम करते हैं वहां से आपको एक पैसा नहीं मिलेगा, तो आप काम पे आएंगे? बताइए आएंगे आप? मैं तो सवाल करने के लिए ही आई हूँ, मैं तो आपसे सवाल, मैं भी आपसे सवाल कर रही हूँ, बताइए। ऐसा है, सारे कर्मचारी अगर इतने ही ये करोड़पति होते तो आज इस लाइब्रेरी में नौकरी के ऊपर पे नहीं आते। सब अपने जो है नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से हैं, और सबको नौकरी की ज़रूरत थी, यहाँ नौकरी के लिए अपने आ रहे हैं। अब एक बात बताइए, जब MCD 100% ग्रांट देती है, 100% रूल्स रेगुलेशन MCD के लागू होते हैं, तो हमारे जहाँ से हमारा फंड आता है वो है MCD के अंदर समुदाय सेवा विभाग, यानी कम्युनिटी सर्विसेज डिपार्टमेंट, CSD डिपार्टमेंट से फंड आता है, और उस फंड को लेने के लिए मैं और मेरा साथी अनिल कुमार अपने जो है वो हमेशा अपने जो हमारा काम है वहाँ से फंड के लिए फाइलें घूमती हैं। तो ये बार बार एक ही फाइल को, जब पता है कि आपको फ़ंड देना है और जाना भी है, तो आप 6-6 बार फाइलों को क्यों घुमाते हो? अब क्या है फाइलें घुमाने?
ये वही बता सकते हैं कि क्या मंशा है क्या नहीं, और इसी वजह से अपने जो है आगे हमारा फंड अपने जो है पहले 2-3 महीने लेट हुआ करती थी सैलरी, अब तो हद कर दी अपने जो है इस गवर्नमेंट ने भी कि जो 17 महीने हो गए, आप एक बार बताओ इतनी महंगाई के अंदर आदमी महीने 2 महीने चलाना मुश्किल हो जाता है। राशन पानी अगर मान लो किसी दुकानदार से परचून वाले से अगर सामान लेना हो वो एक आध महीने की उधार कर लेगा, 17 महीने की उधार कौन करेगा। लोगों ने 5-5, 10-10% ब्याज पर पैसा उठा रखा है, अब तो उन्होंने ब्याज पे पैसा देने वालों ने भी पैसा देना मना कर दिया, उन्हें ये डपका नजर आ रहा है कि कहीं हमारी पिछली पेमेंट ही ना मर जाए तो हम आगे राशि कहाँ से देने की वो करेंगे। हम ये चाहते हैं कि इसका कोई अपना जो है समस्या का अपना समाधान, कोई परमानेंट समस्या का समाधान निकले इसका, चाहे किसी भी तरीके से हो, ताकि आगे के लिए इन सारे कर्मचारियों को इस तरीके से दुखी नहीं करना पड़े और इनकी रेगुलर सैलरी अपने जो है इनके खाते के अंदर बराबर आती रहे। ऐसा सरकार से ये मांग करते हैं कि अपने जो है सरकार से मांग कर रहे हैं MCD के अंदर, और हम तो BJP सरकार से, क्योंकि MCD में भी BJP की गवर्नमेंट थी और MCD केंद्र के अधीन आती है और केंद्र भी BJP गवर्नमेंट है, मोदी जी बैठे हुए हैं और मोदी जी ने ही स्पेशल अधिकारी श्री अश्विनी कुमार जी को बैठाया है, तो हम तो उनसे भी गुहार लगा रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आपके चैनल के इतना अच्छा काम कर रहे हैं, अग्निपथ ला दिया, बिल्कुल अच्छा काम कर रहे हैं मोदी जी, रोजगार मिल रहा है और आप यहाँ पर चिल्ला रहे हैं मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं। हम मोदी जी के लिए नहीं गलत बोल रहे हैं ना अपने जो है उस के लिए, लेकिन उनके बैठाए हुए नीचे कुछ अपने जो ऐसे ओहदे पर बैठे हुए हैं जो कि उनका भी नाम खराब करने पर लगे हुए हैं, नीचे के अधिकारी जो बैठे हुए हैं उनका भी नाम खराब करने पे लगे हुए हैं। हम मोदी जी तो सही काम कर रहे हैं, लेकिन आज के टाइम पे कोई इंसान अगर सही काम करता है तो उसे करने कौन देता है। सरकार जब उनकी है तो करवाने वाले और करने वाले भी तो वही लोग, लेकिन कुछ नीचे के सरकार के अंदर ही अगर कांग्रेस से थोड़ी आ गए हैं, कांग्रेस से नहीं आ गए, लेकिन MCD के BJP में भी तो कुछ ऐसे लोग अपने जो आ जाते हैं जो अपने मन की चलाने के लिए ऊपर वालों ने तो कह दिया भाई इनका काम कर देना, लेकिन अच्छा ठीक है कर देंगे, अच्छा तुम ऊपर अप्रोच लगा रहे हो, बोला चलो अपना आप जैसे रूटीन से होगा वैसे ही होता रहेगा काम, तो इस तरीके का माहौल अपने जो बनने वाली बात है। हम ये चाहते हैं कि ऊपर वालों तक हमारे आपके चैनल के माध्यम से हमारा अपना जो है ऊपर की अपने जो है सरकार तक हम पहुंचाना चाहते हैं, मोदी जी तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि हमारा समस्या का, हम ये 150 साल पुरानी लाइब्रेरी है और हम हेरिटेज लाइब्रेरी के अंदर पहले फॉरनर आया करते थे, यहाँ एग्जीबिशन लगा करती थी, अब अपने जो है 2-3 साल तक हमने कोरोना काल के अंदर अपने जो है इस लाइब्रेरी को दोबारा से खड़ा किया है, हमने ये नहीं देखा कि किसको कोरोना हो जाएगा, जबकि मैं 10 दिन कोरोना का शिकार होके अरविंद हॉस्पिटल लोकनायक हॉस्पिटल के अंदर एडमिट होके आया हुआ हूँ, मेरे को कोरोना हो गया तो उसके बावजूद भी आके यहाँ पे काम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं और सारे साथी अपने जी जान से लगन से लगे हुए हैं। आपकी इतने बुजुर्ग लग रहे हैं। मेरी 57 साल की अपने जो है उम्र होने को आ गई है, मेरी 33 साल की सर्विस हो गई है, लेकिन यहाँ पे अपने मैं ये देखता आ रहा हूँ कि धरना करना पड़ता, अगर यही हाल रहा तो हमारे को भूख हड़ताल भी करनी पड़ सकती, क्योंकि जब पैसा ही नहीं होगा तो भूख हड़ताल हमारे को क्या हमारे परिवार को भी करनी पड़ सकती है, क्योंकि दिन ऐसा आगे आज के टाइम पे अगर आप जाके देखो, कहते हैं ना कहावत है कि जिस घर न जाओ वो घर बढ़िया, आप हमारे घर पे चल के देखिए, आप इन लोगों के चेहरों को देखिए, इनके घर को देखिए, एक एक टाइम निकालना बड़ा मुश्किल हो रहा है कि न जाने किस तरीके से अपना गुजारा कर रहे हैं, अपने बच्चों का गुजारा कर रहे हैं, कईयों के घर की लाइट कट गई है। क्यों यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अग्निपथ जो है उसको भरिए, वहाँ पे आपको 4 साल का जो है एक्सपीरियंस मिलेगा। मेरे को यहाँ पे 1.5 साल हो गए मैम काम करते हुए, तो मेरे यहाँ पे मैं चाहता हूँ मैं अपनी इस लाइब्रेरी को आगे बढ़ाऊँ, वर्ल्ड लेवल तक पहुँचाऊँ, क्योंकि हमारी जो लाइब्रेरी हेरिटेज लाइब्रेरी है मैडम, अब मैं जगह जगह ऐसे भर्ती बदलता जाऊँगा तो कहाँ सक्सेसफुल हूँगा मैडम। अब क्या है, अब तो यहाँ पे बैठे हैं, अब क्या करेंगे, 4 साल इससे अच्छा वहाँ पे काम कर मैडम, होगा सब कुछ होगा, अच्छा काम भी होगा, वीर बन जाएंगे। नहीं नहीं मैडम, सब कुछ अच्छा होगा, क्या कहते हैं, सेवा नहीं करना चाहते, क्यों नहीं करना चाहते मैडम, करना चाहते हैं, पर ये भी तो सेवा, ये भी तो देश की सेवा है, यहाँ पे जो नए जो यूथ आता बच्चा उसको पढ़ने के लिए हम उनको सराउंडिंग जो एटमॉस्फेयर बनाते हैं यहाँ पे बच्चों, कोई मुद्दा है क्या, गलत बात बोल रही है, हमारे यहाँ पे शिक्षा की बात होती है मैडम, हमारी तो लाइब्रेरी में पूरे दिन शिक्षा की बात, आप तो शिक्षा की बात कर रहे हैं लेकिन और लोग तो शिक्षा की मुद्दा ही नहीं है ना, सब शिक्षा का मुद्दा है मैम, सब शिक्षा का ही मुद्दा है, ऐसी कोई बात। देखिए आपने कहा बहुत अच्छी बात है कि अपना मोदी जी ने निकाला कि अग्निवीर अपने जो है उसके अंदर अपने जो भर्ती करने के लिए, उसकी शायद आपको पता होगा कि 17 साल से 24 साल तक की एज
लिमिट अपने रखी गई है जिसमें भर्ती के लिए। अभी मैं ये समझता हूँ कि अपने जो जितने भी कर्मचारी यहाँ पे, मेरी 33 साल की सर्विस है, किसी की 20 साल की सर्विस है, किसी की 8-8, 10-10 साल की सर्विस है, सब पुराने अपने जो लगे हुए हैं और सबकी उम्र, मैं जहाँ तक समझता हूँ कि सबकी उम्र 25 से लेकर 30 से ऊपर ऊपर है। कोई अग्निवीर की जो है उस नौकरी के उसमें आवेदन नहीं कर सकता। दूसरी चीज़, उसमें भी पढ़े लिखे ही चाहिए, उसमें कोई अनपढ़ों को तो पढ़े लिखे चाहिए, 8वीं वाला जो है वहाँ पे भर्ती है। मेरी बात को ऑलरेडी यहाँ पे 10वीं 12वीं वाले भी हैं सारे, अपने जो है बीए बीकॉम वाले भी अपने जो इसमें काम कर रहे हैं, जो ऑलरेडी अगर एक संस्था में लगा हुआ है और एक जगह अपने जॉब पे लगा हुआ है, वो ये नहीं चाहेगा कि इस जॉब को छोड़ के मैं दूसरी जगह जाऊँगा। और ये तो लाइब्रेरी तो एक शिक्षा का मंदिर है, हम न जाने यहाँ से हम लोगों ने हमारे ही हाथों से हमने बुक्स जिन जिन मेंबरों को दी है, उन लोगों ने अपने जो है यहीं से पढ़ के निकल के आईएएस ऑफिसर भी बने, आईपीएस ऑफिसर भी बने, और आज भी वो आते हैं और मिलने के लिए और अपने बच्चों को, अपने पोतों को एडमिशन दिलाने के लिए और हमारे से मिलते हैं, बात करते हैं। हमें बड़ी खुशी होती है कि कोई बच्चा यहाँ से या कोई आदमी यहाँ से अपने जो पढ़ के ऐसे ओहदे पे गया। लेकिन अब तो जो तवज्जो है वो संगठन वालों को दी जाती है, बजरंग दल वालों को दी जाती है। देखिए हम फिर भी देश के नागरिक हैं और ये हमारा जवान युवा ही तो होते हैं उसमें। देखिए हम भारत देश के नागरिक हैं, मिल रही है पटका मिल रहा है संतरी कलर का और क्या चाहिए, नहीं हमारे को वीर कहलाएंगे आप। हम किसी पार्टी पॉलिटिक्स के हिसाब से नहीं, हम अपनी नौकरी के अंदर अपने जो हैं और हम देश के नागरिक हैं और तनख्वाह मांगना, काम कर रहे हैं तो काम करेंगे, तो काम वेतन मांगना हमारा अधिकार है और इसलिए अपने जो है हम गुहार लगा के अपने जो अपनी मांग को रख रहे हैं। तो लिहाजा मैं तो यही कहूँगा अपने आपके चैनल के माध्यम से कि हमारी सैलरी जो है 17 महीने की, जबकि हमारे 2016 से पे कमीशन जो लागू हुआ है उसका भी एरियर हमारे को अभी तक नहीं मिला है, नहीं मिला बिल्कुल भी किसी भी कर्मचारी को। डीए बोनस तक दो दो तीन तीन साल के अपने जो वो रुके पड़े हुए हैं, वो भी रुका पड़ा है, वो भी इंक्रीमेंट 2 साल से रुके पड़े हुए हैं। कहाँ जा रहा है ये पैसा मुझे इस बात का पता नहीं है, ये तो मैनेजमेंट बता सकती है, लेकिन इस टाइम मैनेजमेंट भी भंग हो चुकी है। सरकार को जो है फंड मिलता है अच्छा खासा, आपकी जो टाइम पे सैलरी आ जाए, टाइम पे बोनस मिल जाए आपको, हमारे को और क्या चाहिए। सारे आदमी हमारा एक एक घंटा बढ़ा दिया गया है, हम उसमें भी खुश हैं, हमने उसके लिए भी मना नहीं करा। हर कर्मचारी एक एक घंटा फालतू देके जा रहा है, सब कुछ कर रहा है, संडे को भी ड्यूटियाँ लगती हैं, हम वो भी लगा के जा रहे हैं, और इससे और क्या काम करवाना चाहते हैं हमारे से ये समझ में नहीं आ रहा। हम भी तो 12-12 घंटे काम करते हैं, तो इसीलिए तो हमने भी मना नहीं करा क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी भी कर रहे हैं, तो हम भी करने से पीछे नहीं है, लेकिन कम से कम हमारे को वेतन तो दिलवाने की वो कर रहे हैं। जो है आपका जो है ये जो भी आप बलिदान दे रहे हैं ना, नहीं समझ रही है, समझेगी ऐसी बात की, आज नहीं तो कल समझेगी जरूर। कितने दिन तक बैठे रहेंगे? जब तक सैलरी नहीं मिलेगी तब तक बैठेंगे। 2-4 साल कोई बात नहीं, बैठे रहेंगे मस्त एकदम। मस्त क्यों बैठेंगे? पेट खाली होगा, ज्यादा होगा तो चक्कर खा के गिर जाएंगे, मर जाएंगे, एक हाथ की राशि तो निकलेगी, कोई बात नहीं, तब तो हमारी सरकार हमारी सुनेगी, तब भी नहीं सुनेगी। लोग मर रहे हैं रोज सड़कों पर, बात सुनेगी, सब सुनेगी मैडम, आज नहीं तो कल सुनेगी, रोज आए दिन किसी को उठा लिया जा रहा है, किसी को मोदी जी सुनेंगे हमारी बात, ऐसी बात नहीं, मोदी जी सुनेंगे, मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं, मोदी जी सुनेंगे। हम चाहते हैं आपके चैनल से मोदी जी तक और अमित शाह जी तक हमारी आवाज पहुँचे। ना पत्र दिया हमने एलजी साहब को भी, पत्र दिया है हमने एलजी साहब को भी, पत्र दिया है, ट्विटर पे भी हम ट्वीट कर रहे हैं, जवाब मिला है? अभी कोई जवाब नहीं, अभी तो वो देख रहे होंगे कि हाँ जी ये कब तक है, या तो हमारी थोड़ा सा जोश देख रहे हैं कि ये कब तक बैठ सकते हैं, कब तक नहीं बैठ सकते अपने। अभी हमारे एक साथी को अपने जो पैरालाइज अटैक पड़ चुका, उस पर तनख्वाह की टेंशन की वजह से, एक हमारी साथी हैं बुजुर्ग हैं, उनको अपने जो है अटैक पड़ चुका, उनको स्टंट वगैरह डले हैं, उनके ऊपर कोई करने वाला तक नहीं है, अकेली अपने जो इस टाइम है। तो मैं ये चाहता हूँ कि हमारी सुनवाई जल्दी से जल्दी हो, क्योंकि तनख्वाह न मिलना और परिवार को न पालना, जिसकी वजह से परिवार नहीं पलता उसकी वजह से आदमी टेंशन में आ जाता है, जिसकी वजह से कैसे चल रहा है आप लोगों का जब तनख्वाह नहीं मिल रही है? उधार गृहिणी है, उधार कर्जा लेके चल रहा है, उधार कर्जा लेके, बिल्कुल कैसे करेंगे अब सब कुछ? जैसे 17 महीने से उधार लेके खा रहे हैं ना, ब्याज सर पे चढ़ गया है, अब हमारे पास जो भी था ना हमने अपना बेच चुके, तभी हम बिल्कुल लास्ट में हड़ताल पे बैठे हैं बेच के। ऐसी बात नहीं मैडम, बात हमारी सुनी जाएगी मैडम, सब ब्याज भी पैसे ले रहे हैं, बच्चों को कहाँ से पढ़ाई का नाम है? कांता सैनी है, उनके हस्बैंड नहीं है, हाँ उनकी जगह लगी हुई मैं, बताओ कैसे घर का खर्चा चलाएं, कैसे चल रहा है अभी?
बस ब्याज पे ले रहे हैं, उन्हें भी मना कर दिया, बता कहाँ से बच्चों को पढ़ाएं खिलाएं जैसे। क्या करेंगे आप लोग, क्या करेंगे कि सरकार वरकार सुन नहीं रही है आपकी, तो इसीलिए आयो ना कि हम यहाँ बैठे, अगर अंदर बैठेंगे तो मुद्दा हाईलाइट नहीं होगा। दिन के बाद ही तो पता चला है। हाँ तो पता कैसे चला है, हम 96 लोग यहाँ बैठे हैं ना, आज ये कल तक ये भी नहीं था, इससे पहले हम अंदर बैठे थे, अंदर से भी हमें मना कर दिया, क्यों, क्योंकि आपका अधिकार नहीं है लाइब्रेरी बंद करना, हमने लाइब्रेरी खोल दिया। नाम है आपका? नवनीत सिंह। उम्र कितनी है? 26 है। आप भी अग्निवीर नहीं बन सकते? जी। क्या चाहते हैं आप? मैम हमारी मांग यही है कि 96 कर्मचारियों की समस्त पूरी सैलरी उनके अकाउंट में आ जाए, क्योंकि हमारे अंदर बैठने से हमारे जो 17 महीने वो बढ़ेंगे, कम नहीं होंगे। ये बोलने से अकाउंट में आ जाएगी? बिल्कुल आएंगे मैम, आप घबरा रहे हो, मैं नहीं घबरा रहा। मैं क्यों घबराऊंगी? 96 कर्मचारी मेरे साथ खड़ा है। मैं क्यों घबराऊं? ये अगर आपको विश्वास है सबसे पूछ लो, हम नहीं घबरा रहे। आज हमारे पास कुछ पानी पीने को नहीं था, एक बंदे ने आके पानी का इंतजाम करा दिया। क्यों करा दिया? क्योंकि हम 4 दिन से कंटिन्यू बैठे हैं। ऐसे नहीं कि 4 दिन से अगर हम अंदर बैठेंगे तो कोई हमें पूछने तक नहीं आएगा, बाहर बैठेंगे तो पूछने आएगा, और यहीं से हम जनता मंत्र भी जाएंगे, यहीं से जाएंगे। जब मैडम आपको, आप ही आओगे, आप ही लाइव चलाओगे जंतर मंदिर भी, आप ही लाभ चला लाइव चलाओगे। बिल्कुल आप जाओगे ना तो अगला न्यूज चैनल बैठा हुआ है यहाँ पे, आप जाओगे तो अगला जाएगा तो अगला आएगा, लेकिन कब आएगा? जब हम यहाँ पे कंटिन्यू बैठे रहेंगे। ऐसे नहीं कि अंदर बैठते रहेंगे 17 से 18 19 20 पे तो उतर नहीं पड़ेगा अपने। हाँ नहीं रहे ना मैम, शुरुआत हो गई है। और उसमें मर गए लोग, मर गए हैं, रिटायरमेंट का पैसा नहीं मिला है, ठीक है, रिटायरमेंट का पैसा नहीं मिला, लोग मर चुके, और 4 लोग हमारे सस्पेंड कर रखे हैं, है? और जिनका रिटायरमेंट का पैसा नहीं मिला उसमें से कुछ लोग मर भी। क्या नाम है आप? मेरा नाम अनीता है। आप भी काम करती हैं? हाँ कर्मचारी हूँ, ठीक है जी। और हमारी 18 महीनों से सैलरी नहीं मिली है, हम लोग भूखमरी की कगार पे हैं, हमारी हालत देख रहे हो, हम कब से बैठे हुए यहाँ पे, कोई नहीं सुन रहा, कोई नहीं आ रहा हमारे से, हम लोगों को देखने के लिए भी कोई नहीं आ रहा कि हम धूप में गर्मी में कैसे मर रहे हैं। तपती धूप में जो 45 डिग्री का सेल्सियस का यहाँ पारा चढ़ा हुआ है, उस पारे के नीचे बैठकर ये लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, किस तरीके से ये गुजर बसर कर रहे हैं आपने सारा सुना, किस तरीके से कर्जा लेकर इनका घर परिवार चल रहा है, मगर सत्ता में बैठी सरकार को जो नींद है वो खुल ही नहीं पा रही है। लेकिन ये लोग जो है, ये कौन लोग हैं जो लगातार रोजगार की और अपनी सैलरी की मांग को लेकर बैठे हुए हैं, लेकिन वही सरकार जो है रोजगार की बात करती है कि 2 करोड़ रोजगार दिया जा रहा है युवाओं को, सब कुछ, सबको सैलरी मिल रही है टाइम से, लेकिन ये लोग कौन है? क्या ये लोग देश का हिस्सा नहीं है? समझ में नहीं आता किस तरीके से सत्ता में बैठी सरकार अपने कानून और नियमों पर जो लागू कर देती है और उसके बाद भुगतना इन जैसे लोगों को पड़ता है, तो उसी के साथ ये लोग यहाँ पर अपनी मांगों को लेकर बैठे हुए हैं। इसी तरीके से देखते रहिए जनता आवाज़, मेरे सहयोगी फैजल के साथ, मैं पूजा, दिल्ली।